नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका जीरो टू जेड इंग्लिश चैनल में। देखिए, पिछले वीडियो में मैंने जो बक्सवाहा के फॉरेस्ट के बारे में बोला है, उसमें अपने कमेंट्स और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें उस चीज को, और कमेंट्स भी डालें, और लाइक का शेयर बटन दबाएं अगर आपको पसंद आया तो। ऐसे वीडियो और भी लाता रहूंगा मैं। देखिए, अभी हम चला रहे हैं एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड नेगेशन। हम सिंपल एडवर्ब पढ़ रहे हैं जिसमें एडवर्ब ऑफ रीजन, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, राइट, एडवर्ब ऑफ नंबर। अभी एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड नेगेशन चल रहा है। तो अफर्मेशन आप समझ गए होंगे, जिसमें कि यस, श्योरली, सर्टेनली, ट्रूली, डेफिनेटली, डेफिनेटली, ओके, और नो, नॉट, नेवर, और एक वर्ड है ने, ये शब्द इसमें आ जाते हैं, नोर, ओके, नीदर, एन ई आई टी एच ई आर, नीदर, ये शब्द जो है नेगेशन के लिए होते हैं। तो नॉर्मली ये जहां भी यूज होंगे वहां पर आप जान सकते हैं कि ये अफर्मेशन और नेगेशन के एडवर्ब्स हैं, राइट। अब हम बात करते हैं फॉर सम एग्जांपल, जैसे यस, मान लो एक क्वेश्चन हुआ, कैन यू हेल्प मी टूडे, आई विल श्योरली हेल्प यू विद दिस, आई विल श्योरली हेल्प यू विद दिस, ओके, यस, आई एम हियर टू असिस्ट यू विद दिस, टू असिस्ट यू विद दिस, ओके। तो देखिए, यस इस तरह से और श्योरली इस तरह से, आई विल श्योरली हेल्प यू विद दिस, और यस आई एम हियर टू असिस्ट यू विद दिस, इस तरह से हम यूज कर सकते हैं। यू, शी विल सर्टेनली, सर्टेनली माने निश्चित रूप से, शी विल सर्टेनली क्वालिफाई, क्वालिफाई दी इंटरव्यू एग्जाम, एग्जाम्स, श्योरली, सर्टेनली, इस तरह से हम इसको यहां पर और इसको यहां पर भी यूज कर सकते हैं। मैंने छोटा छोटा एग्जाम्पल आपको दे दिया है कि इनको यूज कैसे करना है, बाकी स्टडी, रीडिंग और राइटिंग के साथ और लिसनिंग के साथ आप ही को अच्छे से समझना है। ये मैं सिर्फ तरीके बता सकता हूं, मैं आपको कुछ नहीं पढ़ा सकता, सच कहें तो मैं रास्ते बता सकता हूं, तरीके आपको बता सकते हैं, एक टीचर, एक माता, एक पिता, एक बड़ा आपको रास्ते बता सकता है, जीवन चलाना आपको ही है। ऐसे ही हर क्षेत्र में यही फंडा काम करता है। दूसरा, ट्रूली, शी, देखिए, माई मदर इज ट्रूली अ डिवोटी, डिवोटी मीन्स भक्त, डिवोटी टू द लॉर्ड कृष्णा, टू द लॉर्ड कृष्णा। मेरी माता शिव बाबा एक होते हैं, ज्योति, अमर ज्योति बिंदु, उसकी भक्त थी उनकी, और माई मदर इज ट्रूली अ डिवोटी टू द लॉर्ड कृष्णा। अब देखिए, ट्रूली माने सच्चे दिल से, आई विल ट्रूली लव योर गिफ्ट, बी इट एनी, कोई भी गिफ्ट हो मुझे पसंद आएगा, राइट। व्हाट गिफ्ट डू यू वांट फ्रॉम मी ऑन योर बर्थडे, कोई पूछ रहा है आपसे, व्हाट गिफ्ट डू यू वांट फ्रॉम मी, तो हम कह सकते हैं कि आई विल ट्रूली लव योर गिफ्ट, कॉमा, बी इट एनी, कुछ भी हो, कुछ भी गिफ्ट हो, बी इट एनी, आई विल ट्रूली लव योर गिफ्ट, राइट, ट्रूली, सच्चाई से, आई विल ट्रूली हेल्प द पुअर पीपल, आई ट्रूली लव द पुअर पीपल एंड हेल्प देम, और डेफिनेटली शी इज डेफिनेटली अ टीचर, बिकॉज आई हैव सीन हर टीचिंग द स्टूडेंट्स अर्लियर,
तो इस तरह से होता है नो नॉट नेवर ने, हजार सेंटेंसेस में शायद मैं ये चीजें यूज करके बता चुका हूं। नेवर मींस कभी नहीं, नॉट मींस नहीं, नो ने नॉर नीदर, नीदर एन ई आई टी एच ई आर, नीदर आई कैन प्रिपेयर, नीदर आई कैन प्रिपेयर फूड एट होम, नोर नोर कैन परचेज, नोर कैन बाय फ्रॉम द मार्केट, एमकेटी शॉर्ट फॉर्म मार्केट का। तो नीदर आई कैन प्रिपेयर फूड एट होम, नोर कैन बाय फ्रॉम द मार्केट, ना ही तो ये मैं घर पर भोजन तैयार कर सकता हूं ना बाजार से खरीद सकता हूं। मदर इज नॉट एट होम, ये भी एक नेगेटिव हो गया, मदर इज नॉट एट होम, राइट। तो बिकॉज मदर इज, या सिंस मदर इज नॉट एट होम, सिंस मदर इज नॉट एट होम, क्योंकि मम्मी घर पे नहीं है तो खाना मुझे बनाना नहीं आता और पैसे नहीं है इसलिए मैं खरीद नहीं सकता, मम्मी घर पर नहीं है, यही सब रीजन है। तो देखिए सिंस, इसके मैंने बता दिया है कि ये एडवर्ब ऑफ रीजन है, ये रीजन है, एडवर्ब ऑफ रीजन, ओके, ये वजह है और ये नेगेशन है। तो इस तरह से ये एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड नेगेशन हमने पढ़ ली है। आप वीडियो स्टॉप कर करके बीच में स्टडी कर सकते हैं और पेन और कॉपी लेकर बैठे। कमेंट बॉक्स में जय माँ सरस्वती जरूर डालें और वॉचिंग आवर्स हमारे बढ़ रहे हैं, हमारे स्टूडेंट्स को बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद, थैंक यू सो मच, हाथ ऊपर करके थैंक यू सो मच। काफ़ी वीडियोज वॉच कर रहे हैं, नॉलेज बढ़ा रहे हैं, शेयर भी कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, थैंक यू सो मच वंस अगेन एंड हैव अ ग्रेट डे। Thank you.